वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली में धमाके का जो हुआ उसका नया वीडियो सामने आया है। दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट पर राजधानी है और जो नया वीडियो सामने आया उसमें आप देख पाएंगे कैसे धमाके के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ। ये देखिए तस्वीर, लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरों से भी धमाके के बाद की जो तस्वीर है उसको रिकॉर्ड किया है, जिसमें तेज आवाज के साथ पहले धमाका होता है। और ये देखिए तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं धुआं, आपको सफेद धुआं नजर आ रहा है और कितनी ऊंचे तक ये जो धुआं है वो देखा जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट था, क्योंकि संडे का दिन था, स्कूल में कोई बच्चा कोई शिक्षक नहीं थे, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बाउंड्री वॉल के पास बताया जा रहा है ये धमाका हुआ, CRPF स्कूल है। और ये जो नया वीडियो है उसमें आप देखिए कैसे धमाके के बाद सिर्फ धुआं ही आपको नजर आ रहा है। CRPF स्कूल के पास ब्लास्ट के इस मामले में आपको पूरा इलाका धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है 2 किलोमीटर दूर से धमाके की आवाज सुनी गई, काफी दूर से ही धुआं देखा जाता रहा और स्कूल के आसपास का तकरीबन जो 200 से 300 मीटर का इलाका था वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था, जैसा कि वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया है। और ये तस्वीर आप देखिए प्रशांत विहार इलाका, जहां के CRPF स्कूल को टारगेट करके ये बाउंड्री वॉल के पास धमाका करवाया गया है। वहां पर NSG की टीम भी मौजूद है जो